गदीर मनाए बगैर मुहर्रम मनाते, इसीलिए हुसैन भी रजे अल्लाह, यजीद भी रजे अल्लाह। और फरमा रहा मैं क्या कर रहा हूं, मुहर्रम नजदीक है, मुहर्रम नजदीक है, लेकिन लेकिन इससे पहले एक बात और सुन लीजिए। अभी मुहर्रम को आने में एक महीना है, 20 दिन तकरीबन, आज 18 दिन कम से कम बाकी हैं, लेकिन गदीर आने में 4-5 दिन है, गदीर आने में 4-5 दिन। अल्लाह सेहत व सलामती दे, तूले उम्र दे आयतुल्ला खामनाई को। उन्होंने एक पैगाम जारी किया और बहुत बड़ी बात कही है, बहुत बड़ी बात की। कहने लगे मुहर्रम की तैयारी से पहले गदीर की तैयारी करो। जो रीज़न है उसको समझिएगा, कि मुहर्रम की, अभी मुहर्रम दूर है, मुहर्रम की तैयारी में लग के गदीर की तैयारी को फरामोश ना करो। मुहर्रम से पहले गदीर की तैयारी करो, क्यों? इसलिए कि जिसने गदीर भुलाया उसी ने मुहर्रम भुलाया। मैं और फरमाइएगा मैं क्या कर रहा हूं, जो फरमा रहे हैं आप, ये बहुत बड़ी बात है। अगर इसे महसूस कर सकिए तो महसूस कीजिए कि जहां गदीर हटा मुहर्रम तो सब मनाते हैं जनाब, क्या कहने हैं, आप ही नहीं मनाते। ये आपको गलतफहमी है कि खाली आप मुहर्रम मनाते हैं, हर जगह अशरा होता है, हर जगह मनाया जाता है, गदीर नहीं मनाते। तवज्जो फरमा रहे हैं आप, और चूंकि गदीर मनाए बगैर मुहर्रम मनाते, इसीलिए हुसैन भी रजे अल्लाह, यजीद भी रजे अल्लाह। और फरमा रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं, बनारस के आजादार, बनारस के आजादार।